सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशुल कौंडल और आप देख रहे हैं दुबई की दुनिया। और आज के हमारे मेहमान हैं मिस्टर जगदीश। ये फिलहाल एज अ टूरिस्ट गाइड दुबई में जॉब कर रहे हैं और इससे पहले ये इंडिया में भी दिल्ली में एज अ टूरिस्ट गाइड जॉब कर चुके हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि एज अ टूरिस्ट गाइड दुबई में कितना स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं और सैलरी का क्या हिसाब रहता है। तो अगर आप दुबई में जाके एज अ टूरिस्ट गाइड वर्क करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक। वेलकम मिस्टर जगदीश, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। जी, तो सर जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि आपका एज अ टूरिस्ट गाइड दुबई का सफर कब और कैसे शुरू हुआ? जी मैम, जी सर। अगर हम दुबई के लिए सफर की बात करें जी, तो एज ए टूरिस्ट गाइड ये मेरा सफर जो है वो दिल्ली से शुरू हुआ। जी, मैं कुछ वर्ष पहले जो है वो दिल्ली में एक कंपनी में एज ए टूरिस्ट गाइड जी जॉब करता था। जी, और जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी बाहर की कंट्रीज के लिए पैकेज प्रोवाइड करवाती थी, जी, जैसे कि दुबई, ग्रीस, इटली और भी कई कंट्रीज। जी, तो मेरे मन में जी इंटरेस्ट बढ़ने लगा और जी, विचार आया जी कि मैं क्यों ना किसी कंट्री में जाकर जी अपना नया एक्सपीरियंस लूं। जी तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया जी, और इसके लिए मैंने दुबई कंट्री चूज की, क्योंकि जी दुबई कंट्री का चुनना जो था उसके लिए कारण था कि दुबई जो है वो वर्ल्ड की नंबर वन टूरिस्ट कंट्री है। जी जी और वहां पर एज ए टूरिस्ट गाइड बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जी, तो मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया और थैंक गॉड कि मुझे जो है इसके लिए वीजा मिल गया और मैं दुबई के लिए रवाना हो गया। जी, तो सर इसके लिए एज अ टूरिस्ट गाइड अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो कोई स्पेशल कोर्स या डिग्री जो मैंडेटरी होती है, जो करनी ही पड़ती है? हाँ हाँ जी मैम, जी मैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी मैडम, जी हमारे पास तो जैसे कि मैं इंडिया में काम करता था, इंडिया के सर्टिफिकेट तो थे ही वहाँ मेरे पास, मेरे पास एक्सपीरियंस भी था जी, तो कहीं ना कहीं वो काम कर जाता है। परंतु वहाँ पर दुबई में एक रूल है कि अगर हमने वहाँ पर एज ए टूरिस्ट गाइड काम करना है जी, तो हमें किसी कॉलेज से, किसी इंस्टीट्यूट से वहाँ पर मिनिमम जो है 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है। जी, जब हम इस कोर्स को कर लेते हैं जी, तो वो इंस्टीट्यूट हमें लाइसेंस प्रोवाइड करता है जी, और ये लाइसेंस जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जी, क्योंकि हम जो हो एज ए टूरिस्ट इंडिपेंडेंट टूरिस्ट गाइड इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। जी जी तो मतलब हमें वो 6 मंथ्स के कोर्स करने के बाद 1-2 साल का लाइसेंस मिलेगा? हाँ वैलिडिटी मैडम इसकी 2 साल की होती है जी, और इसके बाद जो हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यू करवाने के लिए इसकी फीस होती है जो कि हमें पे करनी पड़ती है। जी 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 मतलब मिनिमम हमें 2 साल का लाइसेंस मिलता है? हाँ जी मैडम, 2 साल। जी ठीक है। तो सर अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सर कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है एज अ टूरिस्ट गाइड? अपॉर्चुनिटी मैडम एज ए टूरिस्ट गाइड वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि दुबई जो है वो वर्ल्ड की नंबर वन टूरिस्ट कंट्री है। जी, यहाँ पर जो है वो पूरा साल टूरिस्ट आते रहते हैं। जी, तो जैसे ही टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, तो ये जाहिर है कि एज ए टूरिस्ट गाइड जो हमें काम मिल जाता है और हमारी अर्निंग जो है वो काफी बढ़ जाती है। जी जी हाँ, मतलब तो काफी एज मैं कहूंगा कि एज ए टूरिस्ट गाइड जो है वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जी जी तो सर अगर हम काम के बारे में बात करें तो बेसिकली एक टूरिस्ट गाइड का काम क्या होता है? हाँ ठीक मैडम, एज ए टूरिस्ट गाइड हमारा काम होता है कि जैसे ही जी कोई टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं जी,
तो हम उन्हें कैप्चर करते हैं जी और फिर हम उन्हें वहाँ की जो फेमस प्लेसेज हैं, जैसे कि बुर्ज खलीफा है और जी भी कई फेमस प्लेसेज हैं, जी उनकी जानकारी देते हैं, जी उनकी उनको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, जी और जो धीरे धीरे जो उनमें वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जी और फिर वो खुद ही हमें बोलते हैं कि हाँ, हम मैंने बुर्ज खलीफा देखना है या फलानी जगह जाना है, जी जी किस किस जगह उन्होंने जो भी हमने बाप उनको प्लेसेस बताई होती हैं उनके लिए वो एग्री हो जाते हैं, जी और हम उनको जो है फर्स्ट डे कहाँ जाना है, सेकंड डे कहाँ जाना है, थर्ड डे कहाँ जाना है, फोर्थ जी डे कहाँ जाना है, इस तरह उनकी चॉइस के ऊपर, चाहे वो 5 6 दिन जितने भी दिन जो है वो अपना इंजॉय करना चाहते हैं, तो हम उनको पूरी तरह से गाइड करते हैं। इसके जी साथ ही हम उनको ये भी बताते हैं कि आपको होटल में ठहरने का कितना खर्चा आएगा, खाने का कितना खर्चा आएगा, क्या क्या जी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, हम उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करवाते हैं। जी जी तो सर, अगर हम पेमेंट की बात करें तो सर पेमेंट का क्या हिसाब होता है? आपको कंपनी मंथली पेमेंट देती है या फिर आपको डायरेक्ट हैंड टू हैंड पेमेंट मिल जाता है पर डे के हिसाब से? देखिए मैम, कंपनी मंथली पेमेंट भी करती है, जी जिस कंपनी में काम करता था वो मंथली पेमेंट करती थी, जी परंतु वहां पर मैंने एज ए फ्रीलांसर काम जब करना शुरू किया जी तो मेरा काम जो था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा काम चला, जी और कंपनी भी इससे इंस्पायर हुई मेरे काम को देखकर, जी और फिर कंपनी जो है मुझे खुद हायर करने लगी पर डे पर आवर, और इस ढंग से मुझे पर डे या पर आवर जो मुझे पेमेंट देती थी। ओके मतलब अगर आप हाँ, एज अ यानी कि फ्रीलांस, हम हाँ जी, एज ए फ्रीलांसर हम वहां पर काम करना चाहें तो हम पर डे और पर आवर के हिसाब से जो है वो पैसा कमा सकते हैं। मतलब ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ टूरिस्ट हाँ, गाइड। बहुत अपॉर्चुनिटी है, एज ए फ्रीलांसर काम करना बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। जी। तो सर अगर हम मिनिमम टू मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें एज अ टूरिस्ट गाइड, तो वो क्या हमें होनी चाहिए हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन? देखिए मैम, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि अगर हम 12th पास नहीं हैं तो जी दुबई में हमें कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा जो कि हमें वहाँ पर टूरिज्म का जो है वो कोर्स करवा सके, जो कि मिनिमम 6 साल का होता है। 6 साल, तो अगर हम 12th 6 महीने का होता है, ओके ओके सर, हाँ, तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना बहुत जरूरी है। और ओके जब हमें ये 6 महीने का लाइसेंस दे देते हैं कोर्स करने के पश्चात, जी तो हमें एक लाइसेंस मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल होती है, उसके बाद ही हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं। जी तो मैं कहूँगा कि 12th, अगर आप 12th पास हैं, जी वहाँ पर एज ए टूरिस्ट गाइड काम करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप 12th पास होंगे। जी मतलब 12th तो मैंडेटरी एजुकेशन है आपके लिए। अगर आप हाँ 12th जी पास हैं जी तो आप किसी भी कॉलेज में वहाँ पे 6 मंथ्स का जो आप डिप्लोमा बता रहे हैं वो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं जी तो सर, जी। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एक टूरिस्ट गाइड दुबई में कितना कमा सकता है पर डे के हिसाब से? जी देखिए मैम, ये अपने हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, जी जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप इस काम में इंटरेस्ट लोगे, जी तो जी उतनी ही अर्निंग जो है वो आपको ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मिनिमम जो है वो 4 5 हज़ार पे पर डे जी जो हम कमा सकते हैं। जी और सर अगर जी मैक्सिमम बात करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर डे एक टूरिस्ट गाइड दुबई में कितना कमा सकता है, तो उसके बारे में क्या कह देखिए सकते हैं? मैम, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, जी टूरिस्ट आपसे सेटिस्फाई है, जी तो और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जी तो आप 7 8 हज़ार रुपये भी पर डे जो हम वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। हेलो जी मैम। सर, तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर कोई दुबई आना चाहता है और एज अ टूरिस्ट गाइड वहाँ पे वर्क करना चाहता है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैम, जी कोई अगर दुबई एज ए टूरिस्ट गाइड
जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि उसने पहले अपने नेटिव कंट्री में एज ए टूरिस्ट गाइड काम किया होगा, उसके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, उसका अपना एक्सपीरियंस होगा जी जो कि उसको वहां पर जो है वो काम आएगा और ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। परंतु मैंने जैसे कि पहले बताया था कि दुबई में अगर आपने एज ए टूरिस्ट गाइड काम करना है तो वहां पर जो है 6 महीने का कोर्स करना जरूरी है और तभी आपको जो लाइसेंस मिल सकता है। जी और आप जो है जब लाइसेंस आपको मिल जाएगा तो इंडिपेंडेंट एज ए टूरिस्ट गाइड आप जो काम कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 12th पास होना बहुत जरूरी है और वहां पर जाकर जो है वो आप किसी अच्छे कॉलेज से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से वहां पर एज ए टूरिज्म कोर्स करें जी। और ये कोर्स जो है 6 महीने का होता है और आपको जो लाइसेंस मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी जो 2 साल होती है, उसके बाद भी आप उसको जो है रिन्यू करा सकते हैं, जिसके लिए जो रिन्यूअल फीस अदा करनी पड़ती है। जी। हाँ, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि एज ए टूरिस्ट गाइड दुबई में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अधिक से अधिक जो है वो लोग वहां पर जाएं और अपनी अर्निंग कर सकें। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी दुबई की दुनिया के साथ जुड़ने के लिए, और आज आपने बहुत खास चीज़ें बताई। अगर कोई दुबई में जाके एज अ टूरिस्ट गाइड वर्क करना चाहता है तो थैंक यू सो मच सर हमारी दुबई की थैंक यू दुनिया मैम, के साथ थैंक जुड़ने के यू। लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे मिस्टर जगदीश, और आज के सेशन में बस इतना ही। बाकी और इंटरेस्टिंग सेशंस देखने के लिए जुड़े रहे हमारी दुबई की दुनिया के साथ। थैंक यू।